जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबका? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक। और टीवी को मैं कर दूँ म्यूट। और इस वक्त मेरे घर का जो है हाल हुआ हुआ है, बिखरा हुआ, ये देख सकते हैं आप। मेरी एक्सेसरीज, मेरा कॉस्मेटिक और ये लगी हुई सीढ़ी, और यहाँ पर भी अभी यहाँ से टीवी वगैरह सब हटेगा। और आज करने लगे हैं हम टोटल क्लीनिंग में इस अलमारी की। तो मैंने यानी मतलब मैं अनबिलीवेबल कि अभी मुझे सेकंड मंथ हुआ है, मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। और बीच में एक दफ़ा मैं पहले भी क्लीनिंग कर चुकी हूँ, लेकिन इतनी डस्ट निकली है, मतलब शू वाला जो ये नीचे वाला है ये तो इस तरह हुआ हुआ था जैसे मतलब कि इसको मैंने बगैर क्लीन किए हुए जो है यहाँ पे सामान रख दिया था। इतनी ज़्यादा डस्ट है, इतना डस्टी वेदर हुआ हुआ है। और यहाँ से भी मैंने सारा जो है वो अपना वार्डरोब सेट किया है। और आप लोग मजाक मत उड़ाइएगा, देखें अब ये ना, मैं वेट कर रही थी कि सीज़न चेंज हो तो कपड़े चपड़े जो है यही वाले हटा के नीचे या कहीं ऊपर सेट करके और यहाँ पे हम विंटर को कर देंगे। ये मेरा था मेकअप वाला। और ये देखिए जरा जरा डस्ट देखिएगा आप। हालांकि रूम अंदर है, खिड़की बंद होती है, पर्दा लगा हुआ था। इनकेस मेरा अब रेलिंग जो है वो हट गई है, अभी भी उसको कॉल किया बंदे को नहीं आ रहा। अब मैं जो है खुद से ही कुछ करूँगी। और बहुत बहुत बुरी लग रही है, चादरें यहाँ लगी हुई, लेकिन मैंने खिड़की बंद करके रखी हुई, उसके बावजूद मेरा ये हाल है कि डस्ट का ये सिलसिला है जी कैप वार्डरोब्स के अंदर। अच्छा जी, तो अब मैंने कहा आज बिस्मिल्लाह करें और पहले वार्डरोब की क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद इसको बंद करके उसके बाद जो है ना, ये देखिए जी दोबारा से ना मेरे छोटे छोटे आपको जाले नज़र आ रहे होंगे, मतलब कोई हद है। कितनी दफ़ा मैं इस्तेमाल कर उसको कर चुकी हूँ। हल्का हल्का पंखा चल रहा है, पंखे की भी हालत ख़राब है, बिल्कुल नए मैंने इस घर में ब्रांड न्यू पंखे लगवाए हैं। और अब यह है कि ये सारा मैंने आज जो है ना अपना रूम तो जो है हर हाल में सेट करना है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे ना अंदर सुकून आता है ना मुझे बाहर सुकून आता है। ठीक है मेरे पास इतना भी सामान नहीं है, लेकिन सेटिंग और नीटनेस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हो के नहीं दे रही है। तो आज तो मेरा टारगेट है कि इस कमरे को हमने बिल्कुल नीट कर देना है, पेंट कर देना है। पेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये देखें इतना बुरा लग रहा है ना, पैचेस बने हुए, तो ख़ुद को ही नहीं अच्छा लगता। तो सोचिए कोई आ जाए तो कितना बुरा लगेगा। ये नीट हो जाए दीवार, तो यहाँ पे वॉल क्लॉक लगाऊँ मैं, कुछ अपनी जो पेंटिंग्स वहाँ लगाई हुई थी अब्दुल बारी की, वो लगाऊँ, कमरा सेट करूँ, नया पर्दा लगाऊँ। तो एनीवेज देखते हैं जी, आज हम अपना रूम का टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। यानी दुआ कीजिएगा कि मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ आज के दिन में। तो सबसे पहले तो मैं अपने ये कॉस्मेटिक वाला जो है वो खाना वो ज़रा साफ़ कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अलहम्दुलिल्लाह जी सारा काम कम्प्लीट
शीट हो गया है, पेंट हो गया है, कमरा नीट हो गया है और मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ और थक के बैठी हूँ अब यहाँ पे। मैंने किया है बॉयल अंडा और चाय बनाई है और साथ में अगर नीड हुई तो कपकेक खा लेंगे क्योंकि भूख भी लग रही है, लंच नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले तो चाय का सिप लेना ज़रूरी होता है देन। चले जी ठीक है जी, मिलते हैं बाद में, दिखाती हूँ आपको बाद में अपने घर का कंप्लीट सर्वे।